ऑलराइट, आज जो फर्स्ट कल रैंकिंग चार्ज तक पढ़ लिया था, द नेक्स्ट थिंग इज लियन। लियन बेसिकली हम कहते हैं कि किसी चीज के ऊपर जब हमारा राइट क्रिएट हो जाता है, राइट क्रिएट होने का मतलब ये है कि वेन एवर वी कैन सेल द एसेट और सिक्योरिटी। मेरी आवाज बेटा आप तक क्लियर आ रही है? चैट, ऑलराइट। सो लियन इज एक्चुअली अ लीगल राइट और क्लेम टू टेक एंड होल्ड द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट और इंटेंजिबल सर्टिफिकेट अकाउंट डिपॉजिट, पर जो भी चीज हम एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं, या अगर हम बैंकर हैं या लेंडर हैं तो हम विल बी टेकिंग द सिक्योरिटी। तो जो भी सिक्योरिटी हम ले रहे हैं उसके ऊपर जो राइट है या क्लेम करना, और क्लेम कब करना, उस टाइम पे जब हमारी पेमेंट जो है या जो हमारा लोन है या जो भी लीज पे दिया गया था या जो भी डेट है वो वापस नहीं हो रहा, रीपे नहीं हो रहा। सो ऐसी सूरत में वी कैन एक्सरसाइज दैट क्लेम। सो वो जो राइट या क्लेम है इसका मतलब है वी हैव मार्क्ड अ लियन ऑन दैट प्रॉपर्टी। सो लियन के अंदर जो भी उस प्रॉपर्टी हमारे पास है एज अ सिक्योरिटी, उसका जो फिजिकल पोजेशन है वो लेंडर के पास या बैंक के पास रहता है, और जब वो जो पार्ट जो भी लेंडर है या जिसके पास भी वो राइट मौजूद है वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन रखने के बावजूद उसको सेल नहीं कर सकता। सेल क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ लियन क्रिएट किया गया है, मतलब अपना राइट या क्लेम जो है वो बनाया गया है, तब तक सेल तब तक अपने पास रखेगा या तब तक अपनी कस्टडी में या पोजेशन में रखेगा जब तक के पूरा लोन रीपे नहीं हो जाता। ठीक है, अगर लोन रीपे हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो जो भी लियन मार्क किया गया था, जिसको चार्ज में या राइट में या क्लेम में लिया गया था, अब वो चीज उस पर अपना लियन खत्म करना है और वो एसेट या सिक्योरिटी जो है वो फ्री करके वापस दी जाएगी उसका पोजीशन। अच्छा, जैसे एक ट्रांजैक्शन और उसके ऊपर लियन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने मनी एंड बैंकिंग या इस किस्म के कोई सब्जेक्ट में अकाउंट्स पढ़े होंगे जो बैंक में ओपन होते हैं। जैसे तीन मेजर टाइप्स होती हैं, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है और फिक्स्ड अकाउंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट है। करंट अकाउंट के ऊपर बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, सेविंग अकाउंट के ऊपर एक नॉमिनल एक फिक्स्ड रेट जो है वो इंटरेस्ट पे करता है, और फिक्स्ड अकाउंट जो कि एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है, मतलब लेट से 1 month, 1 year, 6 months और 5 years, जब उसके लिए एक टेनोर स्पेसिफिक कर दिया जाता है बाय द डिपॉजिट होल्डर कि इस टाइम पीरियड से पहले मैं पैसे विदड्रॉ नहीं करवाऊंगा, और अगर करवाए जाते हैं तो उस पर बैंक पेनल्टी चार्ज करता है। So, इस सिनेरियो के अंदर क्योंकि बैंक श्योर होता है कि डिपॉजिट होल्डर इतने माह से पहले या इतने साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेगा, तो प्लानिंग के साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है। सो जितना ज्यादा पीरियड होता जाता है उतना प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ता जाता है। मतलब एक दिन के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर फिक्स किया गया है तो बैंक सिर्फ एक दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, नेक्स्ट डे तो बोरोवर या सॉरी डिपॉजिट होल्डर पैसे वापस ले लेगा। लेट से 5 years के लिए डिपॉजिट होल्डर बैंक में पैसा फिक्स करवा देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि बैंक 5 साल के लिए वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता है और 5 साल पे आने वाला रिटर्न ऑब्वियसली 1 या 2 दिन के आने वाले रिटर्न से ज्यादा हो। अब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दैट अ पर्सन हु इज हैविंग एन अ फिक्स्ड अकाउंट विद अ बैंक और उसको पैसों की जरूरत पड़ जाती है। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस। जो डिपॉजिट होल्डर था उसने लेट से 10 million बैंक में जमा करवाए थे और फिक्स करवाए थे 5 साल के लिए या 2 साल के लिए, कोई भी आप टेनोर एक्सट्यूम कर सकते हैं। मीनवाइल उसका अभी टेनोर पूरा नहीं हुआ और उसको कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए 2, 4, 5 दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। नाउ द डिपॉजिट होल्डर हैज एन ऑप्शन कि जो उसने पैसे फिक्स करवाए हैं वो उसको विड्रॉ कर ले। ठीक है,
अब जब वो उसको विदड्रॉ करेगा तो उसका नुकसान, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन टाइम पीरियड पे फिक्स्ड किया गया डिपॉजिट अगर उस फिक्स्ड टाइम पीरियड से पहले निकाला जाए तो उसके ऊपर बैंक पेनल्टी चार्ज करता है, या इन अदर वर्ड्स जो भी इंटरेस्ट आपको मिलना था वो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और हो सकता है कुछ पेनल्टी भी चार्ज हो जाए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए बैंक प्रोवाइड एन ऑप्शन टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक वेयर यू हैव फिक्स्ड योर डिपॉजिट। लेट से आपने 10 मिलियन का बैंक को फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया हुआ है और आपको 2 मिलियन की या 2 मिलियन की जरूरत पड़ती है 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और आप उस 1 माह या 5 दिन के लिए अपना पूरा फिक्स्ड डिपॉजिट जो 5 साल का था उसका इंटरेस्ट खराब नहीं करना चाहते या उस पे पेनल्टी नहीं लेना चाहते, तो आप उसी बैंक से लोन के तौर पे अमाउंट ले लेते हैं फॉर द नीड फॉर लेट से 1 मंथ, जितनी भी आपको जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या करता है कि आपके पैसे को ही या जो भी आपने फिक्स करवाया हुआ है उसी को एज अ सिक्योरिटी रख लेता है। ठीक है, सो लेट से 10 मिलियन आपका अमाउंट थी जो आपने फिक्स करवाई हुई थी, 2 मिलियन आपको लोन मिला। अब ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो रेट डिपॉजिट पे दिया जा रहा होगा लोन पे बैंक उससे ज्यादा चार्ज करेगा। लेट से कि फिक्स डिपॉजिट पे बैंक 8% दे रहा था, 8% दे रहा था, तो लोन के ऊपर वो 10% चार्ज करेगा। जो डिपॉजिट होल्डर ने अगर वो लोन लेता है तो लोन की अमाउंट का वापस करना होगा एज एन इंटरेस्ट। तो ऐसी सी दिस इज बेसिकली अ विन विन सिचुएशन। डिपॉजिट होल्डर के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि उसको अपने पूरे 5 साल का इंटरेस्ट खराब नहीं होगा उसका, 5 साल के हवाले से उसे कोई अगर उसने अर्ली विड्रॉ करवाता तो पेनल्टी भी चार्ज होती, वो भी चार्ज नहीं होगी, और क्योंकि उसको सिर्फ 10 दिन या 1 माह के लिए पैसा चाहिए था तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं बनता। ऑन द अदर साइड बैंक के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि बैंक ने क्योंकि वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं ना कहीं पे, 5 साल का अगर डिपॉजिट था तो बैंक ने 5 साल के अकॉर्डिंगली कहीं इन्वेस्ट कर दिया उसको। अब अगर डिपॉजिट होल्डर पैसे अर्ली विड्रॉ करने लगता है तो बैंक को भी लिक्विडिटी अरेंज करते हुए प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली वो पैसा जो बैंक ने 5 साल के लिए कहीं लगाया था अगर वो पहले साल ही वापस निकालना पड़ गया तो बैंक उस पैसे को या तो इन्वेस्टमेंट से निकालेगा तो फिर बैंक का जो प्रॉफिट होना है या जो बैंक को पैसे एडिशनल मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे, सो बैंक का भी लॉस हो सकता है। सो एक विन विन सिचुएशन क्या हुई कि बैंक की लिक्विडिटी मेंटेन रही या बैंक ने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक को उसका प्रॉफिट मिल जाएगा 5 साल बाद, नंबर वन। नंबर टू, बैंक को रिस्क नहीं है कि बैंक ने आप ही के पैसे में या डिपॉजिट होल्डर के पैसे में से को ही सिक्योरिटी रख के कुछ पैसा और वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मतलब 2% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उस डिपॉजिट होल्डर को दे दिया। सो हम इसको कह सकते हैं कि डिपॉजिट होल्डर के पैसे को ही सिक्योरिटी रख के या उसी का कुछ पोर्शन डिपॉजिट होल्डर को वापस एज अ लोन दे दिया तो बैंक के लिए भी एक अर्निंग का सोर्स, एक एक साइड पे इंटरेस्ट जो दिया जा रहा था डिपॉजिट होल्डर को तो उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो कम हो गया, प्लस 2% अर्निंग भी आ गई। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ बोरो डिपॉजिट होल्डर एज वेल एज द बैंक। अब इस सिचुएशन में जो सिक्योरिटी रखी गई है दैट इज द सेम डिपॉजिट विच वॉज गिवन बाय द डिपॉजिट होल्डर। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस डिपॉजिट पे उस अकाउंट पे जो बैंक के साथ मेंटेन किया जा रहा है उस पे लियन मार्क कर देता है। लियन मार्क करने का मतलब ये है कि बैंक अपना राइट क्रिएट कर देता है, क्लेम या चार्ज क्रिएट कर लेता है कि जब तक वो डिपॉजिट होल्डर पैसा वापस नहीं करेगा तब तक वो अपना ही पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। लेट से 10 मिलियन का डिपॉजिट पड़ा था और 2 मिलियन लोन लिया है तो बैंक 2 मिलियन के ऊपर लियन मार्क कर देता है दैट द बोरोवर और द डिपॉजिट होल्डर कैन विड्रॉ 8 मिलियन बट 2 मिलियन कैन नॉट बी विड्रॉन। वो तब तक विड्रॉ नहीं होगा जब तक बैंक का लोन वापस नहीं हो जाता। ठीक है, सो उस
अकाउंट के ऊपर जो चार्ज क्रिएट किया गया, या आप समझ लें जो राइट या क्लेम क्रिएट किया गया, उसको हम लियन कहते हैं। ओके, ये लियन जो है आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं मॉर्गेज की, मॉर्गेज आप पढ़ चुके हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट होता है, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी जब हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये लिखवा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी रहन के तौर पर रखी गई है, और दिस प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज विद सो एंड सो बैंक, तो इसका मतलब है हमने अपना चार्ज क्रिएट कर लिया, क्लेम या राइट क्रिएट कर लिया कि ये तब तक नहीं बिकेगी जब तक या तो बैंक का लोन पूरा ना हो जाए, या बैंक खुद अपनी मर्जी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना दे दे। सो इसको भी हम कहते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर लियन मार्क कर दिया गया। ठीक है, आई होप के लियन का कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हो गया होगा कि एक लीगल राइट जो है वो बन जाता है कि एक सर्टन प्रॉपर्टी, एक सर्टन एसेट जो पोजेशन है वो लेंडर या बैंक अपने पास रखता है तब तक जब तक के वो लोन रीपे नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन उसको सेल नहीं कर सकता, जस्ट राइट क्रिएट किया गया है। सेल तब करेगा जब वो लोन रीपे नहीं हो रहा, और फिर ऑब्वियसली उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसके अगेंस्ट हुई हुई है, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है या लेटर ऑफ प्लेज है या MODTT है, वो जो भी उसके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट साइन किया गया था उसके अकॉर्डिंगली फिर वो राइट एक्सरसाइज होगा। दिस इज कॉल्ड लियन। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज गारंटी। सो सिक्योरिटी के तौर पे हमने देखा कि ये टाइप्स हमने पढ़ी, या तो हाइपोथिकेशन एज अ सिक्योरिटी ली जा सकती है, या प्लेज हो सकता है, या मॉर्गेज हो सकता है, तरह फिर पढ़ा, और अब हम बात करते हैं गारंटी की। गारंटी आपने अक्सर ये नहीं होगी कि मैं गारंटी करता हूं, या मैं इस चीज की एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूं कि अगर ऐसा हो गया तो ये नुकसान मैं पूरा करूंगा। मैं कहता हूं कि जी मैं गारंटी देता हूं दैट दिस पर्सन विल पे ऑफ द लोन, अगर उसने लोन पे ना किया तो उसके बिहाफ पे मैं पे करूंगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ गारंटी। सो गारंटी क्या है? इट इज अ कमिटमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्लाइजर और डेटर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन इन केस द प्राइमरी ऑब्लाइजर और डेटर फेल्स टू फुलफिल हिज और हर ऑब्लिगेशंस। बेसिकली एक थर्ड पार्टी है, दो पार्टीज कौन सी हैं, एक बोरोवर है और एक लेंडर है, या एक बोरोवर है और एक बैंक है, उसके बाद कोई तीसरा बंदा है या थर्ड पार्टी है जो ये एडिशनल एक सिक्योरिटी कह लें उसको, एक रिलैक्सेशन कह लें, एक कंफर्ट लेवल कह लें, वो कमिट कर रहा है थर्ड पार्टी के जिसने लोन लिया है, यानी कि जो प्राइमरी पार्टीज में से एक कम है, एक बैंक है और एक बोरोवर था। सो बोरोवर आपको पेमेंट करेगा, ये गारंटी दी जा रही है लेंडर को या बैंक को कि जो भी आपसे लोन ले रहा है वो आपको लोन रीपे करेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। और अगर उसने लोन रीपे ना किया तो उसके बिहाफ पे ये लोन मैं पे कर दूंगा। सो दैट इज कॉल्ड द गारंटी। सो गारंटीज भी एज अ सिक्योरिटी ली जा सकती हैं। अब ऑब्वियसली देर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ गारंटीज। इसमें पहली है पर्सनल गारंटी ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर और डायरेक्टर, एज वेल एज पर्सनल गारंटीज ऑफ द ऑनर ऑफ एसेट प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी टू द बैंक। सो पहली तो गारंटी वही है जो जो बोरोवर खुद दे रहा है जाती कैपेसिटी के अंदर। आपने कंपनी जब पढ़ी होगी तो उसमें ये चीज पढ़ी होगी दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। सो अगर कंपनी लोन ले रही है तो उसकी जिम्मेदार भी कंपनी होगी, उसके ऑनर्स नहीं होंगे या उसके डायरेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज लीगल वे में अगर हम बात करें या लीगैलिटी में बात करें तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपना राइट रखती है, इट कैन बी सूड एंड वी कैन सू द कंपनी एज वेल। सो कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे काम करती है। इसलिए अगर लेट से ABC कंपनी लिमिटेड कोई बैंक से लोन ले रही है
तो उस लोन की रीपेमेंट की जिम्मेदारी उसी कंपनी की है, ना कि डायरेक्टर्स की। एंड सिमिलरली, जब अगर लोन रीपे नहीं होता या बैंकरप्सी हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाता है लोन, तो ऐसी सूरत में कंपनी के एसेट्स एट स्टेक आएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की। सो कंपनी के एसेट एट स्टेक आएंगे, ना के उसके ओनर्स के और ना ही उसके डायरेक्टर्स के, यानी कि ना तो मैनेजमेंट के और ना ही शेयर होल्डर के, बल्कि कंपनी के एसेट ही बेचे जाएंगे जो लोन जिसे पूरा किया जा सके। इसको एडिशनल सिक्योर करने के लिए पर्सनल गारंटीज भी ली जा सकती हैं, कि बैंक को लेट से मैनेजमेंट के ऊपर इतना भरोसा नहीं है फॉर एग्जांपल, या बैंक एडिशनल सिक्योरिटी चाहता है, तो कंपनी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है ही है, बिकॉज कंपनी इज बोरोअर। सो कंपनी ने तो पैसा वापस करना ही करना है, उसके एसेट तो हम सिक्योरिटी के तौर पे चाहे मॉर्गेज में या हाइपोथेकेशन में या प्लेज में ले ही रहे हैं, प्लस एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे एडिशनल पर्सनल गारंटी ले ली जाती है उस कंपनी के डायरेक्टर्स की। सो डायरेक्टर्स कह लें, या अगर फर्म है तो पार्टनर्स कह लें, और अगर बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है तो उसका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटर कह लें। सो तीन किस्म के हमारे पास बिजनेस करने के फॉर्म्स होते हैं, वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, देन फर्म या पार्टनरशिप, एंड देन कंपनी। सो इन तीनों के ओनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर सोल प्रोप्राइटर होगा, फर्म का ओनर पार्टनर्स होंगे, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है या ओनर्स, पार्शियल ओनर्स, वो डायरेक्टर्स होंगे। सो एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे बिजनेस के साथ साथ उनके ओनर्स की पर्सनल गारंटी भी ली जाती है, दैट इज एन एडिशनल सिक्योरिटी, के अगर बिजनेस लोन रीपे ना कर सका या अगर कंपनी लोन रीपे ना कर सकी, तो कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल है, उसके डायरेक्टर्स ने जो जाती हैसियत में पर्सनल कैपेसिटी में गारंटी दी है वो भी एक्सरसाइज की जा सकती है। इन अदर वर्ड्स, अगर कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं रहे कि वो लोन रीपे कर सके या वो बेच के पैसा वापस कर सके, और पर्सनल गारंटी भी ली गई है, इसका मतलब है कि अब डायरेक्टर्स अपनी जाती हैसियत में वो लोन रीपे करेंगे, यानी कि ना सिर्फ कंपनी के एसेट बिक सकते हैं, बल्कि अब डायरेक्टर्स के एसेट भी बिक सकते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन पर्सनल गारंटी फॉर अ स्पेसिफिक लोन। ठीक है, सो एक गारंटी विच कैन बी टेकन एज अ सिक्योरिटी इज पर्सनल गारंटी। सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट गारंटी और काउंटर गारंटी ऑफ द फर्म और कंपनी। सो कॉर्पोरेट गारंटी नाम से थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, एक और कॉर्पोरेट आप कह लें कंपनी है या बिजनेस है या एक कॉर्पोरेट एसोसिएशन है, वो भी गारंटी कर रही है। लेट से लेंडर इज बैंक अल्फला एंड बोरोवर इज लेट से नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। ठीक है, सो नेस्ले पाकिस्तान के बहुत से और कंपनीज भी हैं, नेस्ले इज अ कंप्लीट ग्रुप। सो उस नेस्ले की और जितनी भी कंपनीज हैं, लेट से उसकी किसी और कंपनी, कोई और कंपनी भी उस नेस्ले के लोन को गारंटी कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गारंटी। ठीक है, या वाइस वर्सा हम ये कह सकते हैं कि कोई पर्सनल लोन ले रहा है, नेस्ले का डायरेक्टर है जो लोन ले रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, और उस पर्सनल कैपेसिटी के लोन को उसकी कंपनी गारंटी कर रही है कि अगर इसने लोन रीपे ना किया तो कंपनी रीपे कर देगी, बिकॉज कंपनी के पास इसके जीपी फंड पड़ा है या बेनेवोलेंट फंड पड़ा है या कुछ भी जो सैलरी में से चीजें कटती हैं वो पड़ा है। सो हम आपको, अगर इसने पे ना किया तो कंपनी आपको अपने प्रोसेस के थ्रू जैसे मर्जी करे वो बैंक को पे कर देंगे। सो दिस इज कॉर्पोरेट गारंटी। पहले केस में पर्सनल गारंटी था कि जब बिजनेस लोन ले रहा है और डायरेक्टर्स या ओनर उसकी हैसियत में अपनी जाती गारंटी दे रहे हैं, सो दिस वाज पर्सनल गारंटी। ये उसके ऑपोजिट केस है कि अब उस कंपनी का या बिजनेस का कोई एम्प्लॉय समझ लें या ओनर समझ लें लोन ले रहा है, और उस लोन को उसकी कंपनी जो है या जो बिजनेस है वो गारंटी कर रहा है कि अगर इसने लोन रीपे ना किया तो बिजनेस या कंपनी आपको लोन रीपे कर देगी, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गारंटी। एंड लास्टली, गारंटी ऑफ अनदर बैंक और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। सो ये नाम से क्लियर है कि एक कंपनी
का लोन गारंटी कर रहा है कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक। सो लेट्स से हम कहते हैं कि बैंक अल्फला लोन दे रहा है पैकेजेस को, और पैकेजेस की गारंटी दे रहा है मिजान बैंक लिमिटेड। दैट मींस कि बैंक अल्फला को पैकेजेस लोन रीपे करेगा, और अगर लोन रीपे नहीं कर पाता तो फिर मिजान बैंक उसका गारंटर है, या मिजान बैंक ने गारंटी दी हुई है, वो मिजान बैंक पैकेजेस के बिहाफ पे बैंक अल्फला को लोन रीपे करेगा। सो दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ अनदर बैंक। इसी तरह इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, पैकेजेस की कोई ग्रुप कंसर्न है, डीआईसी पाकिस्तान है फॉर एग्जाम्पल, या टेट्रा पैकेजिंग है, वो भी गारंटी कर सकती है पैकेजेस के लोन को। सो दैट विल बी गारंटी ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली देर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ मेजर गारंटीज। पर्सनल गारंटी, जिसमें कंपनी का जो लोन है या जो बिजनेस का लोन है उसके ओनर्स या डायरेक्टर या शेयर होल्डर पार्टनर्स या सोल प्रोप्राइटर वो गारंटी कर रहे हैं लोन को। सेकेंड केस वॉज ऑपोजिट ऑफ इट, के इंडिविजुअल या कोई ओनर या कोई डायरेक्टर या कोई पार्टनर लोन ले रहा है और उस लोन को उसकी कंपनी या उसका बिजनेस गारंटी कर रहा है। एंड थर्ड वन इज के एक कंपनी का लोन कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन या कोई दूसरा बैंक गारंटी कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री बेसिक गारंटीज विच कैन बी गिवन एज अ सिक्योरिटी, एंड बैंक एक्सेप्ट दीज गारंटीज एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल, बट एन एडिशनल कोलेटरल। सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं चलता, बल्कि लेट से लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन चार्ज भी क्रिएट करवा लिया, प्लस पर्सनल गारंटी भी ले ली। ठीक है, सो पर्सनल गारंटी अगर ली जा रही है तो ये क्लीन फाइनेंसिंग में आता है। आपने प्रूडेंशियल में कहीं क्लीन फाइनेंसिंग को पढ़ा होगा। क्लीन फाइनेंसिंग मीन्स के ऐसा लोन जिसकी बैक पे कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल मौजूद नहीं है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की बैक पे कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती, सो दैट इज अ क्लीन फाइनेंसिंग। ठीक है, सो पर्सनल गारंटी को भी क्लीन फाइनेंसिंग में लिया जाता है। हाउ एवर देर इज एन एडिशनल सिक्योरिटी हाउ एवर अवेलेबल टू द बैंक, के पहले चाहे हाइपोथिकेशन ले लें, चाहे प्लेज ले लें, चाहे मॉर्गेज ले लें, सो वो सिक्योरिटी अपनी जगह पे मौजूद है। उसको एडिशनल सिक्योर करने के लिए, उसको एडिशनल कंफर्ट के लिए पर्सनल गारंटी भी ले लें। सो इसको इस तरीके से एज ए सिक्योरिटी लिया जा सकता है। जी बेटा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। या कोई और चीज डिस्कस करनी है? आपके पेपर्स का जो स्केड्यूल है वो आप तक पहुंच गया होगा, प्रोबेबली 28th of May से आपके जो पेपर्स हैं फाइनल वो स्टार्ट हो रहे हैं, और 29th, सो इन द कमिंग वीक प्रोबेबली वी हैव वन सम डेज एज ऑफ ड्यू टू ईद हॉलीडेज, और चार तकरीबन 3 से 4 हफ्ते रह गए हैं जब आपके साथ पेपर्स होंगे। ओके, 24th को आपने बताया, मैंने अपना पेपर जो देखा था दैट वाज ऑन 28th। सो अगर आपके 24th से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, इट मींस वी आर ऑलमोस्ट लेफ्ट विद 3 वीक्स। तो लेट्स सी हाउ डू वी प्रोग्रेस। जी बेटा, जो पढ़ लिया जो भी कोर्स के हवाले से, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अली अकबर, आप वाइवे का कह रहे हैं, ये वाइवा आप किस हवाले से कह रहे हैं? ओके, इंटर्नशिप के आपके वाइवाज हैं, किस डेट को है आपके वाइवाज? वाइवाज तो वैसे अगर आपने इंटर्नशिप की है सो यू डू नॉट नीड एनी एडिशनल स्टडी और एनीथिंग। 30th April, इंटर्नशिप अगर की हो तो उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं मोस्टली वही पूछे जाते हैं कि आपने क्या किया, किस तरह किया, क्या काम, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कोई बुकिश नॉलेज नहीं होता ज्यादातर उसमें। तो आई होप कि इंशाल्लाह वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे। 30th से, यानी कि कल से आपके वाइवाज हैं।
चलें जी, गुड लक फॉर दैट मैटर एज वेल। माशाल्लाह आपकी डिग्री ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ योर होल 4 इयर्स है। बहुत से लोग बहुत खुश होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स को अंदाज़ा होगा कि जो ये अशी पढ़ने में थी वो बाकी चीज़ों में नहीं है। ऑल राइट जी, कमिंग बैक टू द थिंग्स जिसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। सो मीटिंग को जस्ट 7 मिनट्स रह गए, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, आप काइंडली दोबारा से ज्वाइन कर लें ताकि वो फिर डिसकनेक्टिविटी ना हो।